कैंपियरगंज इलाके के जंगल बब्बन गांव में पशु तस्करों के मकान व अन्य संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत तहसील प्रशासन व पुलिस पहुंची और इमामुद्दीन व शाहिद अली के मकान पर सरकारी ताला लगा दिया। दोनों के खिलाफ कई थानों में केस दर्ज हैं। पुलिस ने नोटिस चस्पा कर जब्ती की कार्रवाई की है। इस संबंध में SP नॉर्थ मनोज अवस्थी ने बताया कि इमामुद्दीन के नाम से 4 कमरे का एक मकान गाड़ी थी, वहीं शाहिद अली के नाम से भी एक पक्का मकान था। पुलिस की मौजूदगी में दोनों की संपत्ति जब्त की गई है। वहीं इन दोनों के नाम से चंदीपुर में कृषि योग्य जमीन को तहसीलदार व राजस्व की टीम ने जब्त किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SP नॉर्थ मनोज अवस्थी ने कहा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना कैंपियर गंज द्वारा 2 पशु तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई। उक्त पशु तस्कर गैंगस्टर के अभियुक्त रहे हैं तथा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत इनकी अवैध रूप से अपराध करके अर्जित की गई संपत्तियों में कुल 15 लाख की संपत्ति को जब्त किया गया है। ये कार्रवाई क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज तथा राजस्व टीम द्वारा मिलकर की गई। इनकी अन्य संपत्तियों की जानकारी भी दी जा रही है। यदि कोई अन्य संपत्ति प्राप्त होती है, ऐसी जानकारी में आती है जो कि अवैध रूप से अर्जित की गई है, तो उसे भी कुर्क कराया जाएगा। इन अपराधियों के नाम शाहिद अली व इमामुद्दीन हैं।